लगने को लेकर शुरू हुए विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। अपराधी प्रवृत्ति के आरोपी ने एक युवक पर शस्त्रों से जानलेवा हमला किया, चाकू से कई वार कर जान से मारने की कोशिश की। जख्मी का उपचार अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने आरोपी इंदिरा माता नगर निवासी इरफान पठान वकील पठान को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी पंचवटी नगर निवासी रविंद्र महादेव राव पराते बताया गया। रविंद्र सुबह के समय इडली सांभर का ठेला लगाता है और दिन में मेस में खाना बनाने का काम करता है। शुक्रवार की रात 9:30 बजे के दौरान अपने दोपहिया वाहन पर काम से घर लौट रहा था। बाबाताज चौक पर रविंद्र की गाड़ी से इरफान की बाइक को कट लग गया। उसने रविंद्र को घूर कर देखा। रविंद्र ने उससे घूरने का कारण पूछा। दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान इरफान ने कमर से चाकू निकालकर हमला कर दिया। रविंद्र के हाथ, सिर और पीठ पर कई वार किए और फरार हो गया। रविंद्र खून से लथपथ होकर वहीं गिर गया। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही यशोधरा नगर पुलिस मौके पर पहुंची। तुरंत रविंद्र को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर विवाद का पता चला। पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू कर इरफान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इरफान आपराधिक प्रवृत्ति का है। इससे पहले वाड़ी में एटीएम मशीन फोड़ने के मामले में भी वह पकड़ा जा चुका है। इंदिरा माता नगर एका कॉर्नरला समोर येणाऱ्या अनोळखी इसमाशी कट लागला, त्याच्यातून त्यांचा वाद झाला। गुन्ह्यातील आरोपी इरफान पठाण यास अटक केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।